नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट क्रिटिक्स। आज मैं रिव्यू करूंगा यशराज की हाल ही में रिलीज हुई मूवी के ट्रेलर का, जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन फैमिली। तो फिर चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर बलरामपुर से, जहां पर विक्की कौशल, जो कि भजन कुमार का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो भजन और कीर्तन गाने का काम करते हैं। और उसके साथ ही उनकी फैमिली बहुत ही ज्यादा जानी मानी इज्जतदार ब्राह्मण फैमिली है। बलरामपुर के किसी भी घर में जब भी कोई यज्ञ या कोई भी पूजा पाठ होती है तो उनकी फैमिली को वहां पूजा करने के लिए बुलाया ही जाता है। अब आप उससे समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा इज्जत है उनकी पूरे बलरामपुर में। वैसे तो विक्की कौशल की लाइफ में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है। एक तरफ तो वो भजन कीर्तन गाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, साथ ही साथ दूसरी तरफ ही उनकी खुद की एक पर्सनल लाइफ भी है, जिसमें वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जीते हैं, अपने दोस्तों के साथ बाइक पे गेड़ियां मारते हैं। मगर अभी उनकी लाइफ में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये कि जब भी कोई लड़की उनकी तरफ हाथ बढ़ाती है तो वो उनका हाथ थामने के लिए नहीं, बल्कि उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने के लिए बढ़ाती है। तो बस इसी बात से विक्की कौशल थोड़े से खफा रहते हैं, क्योंकि इसी चक्कर में उनकी जो लव लाइफ है वो अभी भी बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है। बट वैसे तो सब कुछ चिल चल रहा होता है, लेकिन तभी उनकी लाइफ में आता है एक ट्विस्ट, जो उनकी पूरी फैमिली को घुमा के रख देता है। और वो ट्विस्ट ये है कि एक रात विक्की कौशल और उसकी फैमिली को एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि 7 दिसंबर को घर के बाहर तुम्हें जो बच्चा मिला था वो असल में मुसलमान फैमिली से बिलोंग करता है, और वो बच्चा कोई और नहीं, खुद विक्की कौशल होते हैं। ये सुनकर सभी फैमिली वालों के होश उड़ जाते हैं। जो विक्की कौशल सबके लाडले हुआ करते थे, वो धीरे धीरे अपने परिवार वालों की आंखों में खटकने लगते हैं, और धीरे धीरे करके ये बात पूरे शहर में फैल जाती है। और जैसे ही ये बात पूरे शहर में धीरे धीरे फैलती है, लोगों के भी होश उड़ जाते हैं ये जानकर कि विक्की कौशल एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। और लोग ये सोचकर हैरान होते हैं कि कल को जिस इंसान से हम अपने घर में पूजा पाठ कराते थे, असल में वो हमारी जात का है ही नहीं, वो तो मुसलमान है। यहाँ से शुरू होती है विक्की कौशल की लड़ाई अपने वजूद के लिए। फिल्म में ऐसे कई डायलॉग हैं जो भले ही 2 या 4 लाइनों के हैं, लेकिन उनके मीनिंग बड़े ही डीप हैं। जैसे कि एक लड़का विक्की कौशल से बोलता है कि आप शक्ल से तो नहीं लगते कि आप मुसलमान हो, अगर इस लाइन को हम अपनी रियल लाइफ में भी प्रैक्टिकली अप्लाई करें तो हमें समझ में आएगा कि लोग भी हमारे वेशभूषा और कलर से हमें जज करते हैं। जैसे कि अगर कोई लड़का ज़्यादा गोरा चिट्टा है, दिखने में थोड़ा भी स्मार्ट होता है, तो उसके लिए पहले से ही ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये कोई बड़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता होगा या बड़ा हाई कास्ट इंसान होगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई लड़का सांवले रंग का या थोड़ा सा डस्की कलर का है और उसके कपड़े भी थोड़े नॉर्मल है, तो हम पहले से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि या तो ये बहुत छोटी जात का होगा या फिर कोई गरीब इंसान होगा। तो फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे हम लोगों की वेशभूषा से उनके कैरेक्टर को जज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्की कौशल अपने पिता से ये बोलते नजर आते हैं कि जब तक आपको लगता था कि मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तब तक तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि मैं एक मुसलमान हूँ, वैसे ही आपका प्यार चेंज हो गया। ये कैसा प्यार है? तो इससे पता चलता है ऊपर वाला जब हमें नीचे भेजता है तो हमें ना हिंदू, मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई बनाकर भेजता है, वो हमें सिर्फ इंसान बनाकर भेजता है, लेकिन नीचे आते ही हम उसे 4 टुकड़ों में बांट देते हैं। तो इसी तरीके की ऐसी कई चीजें हैं जो हमें फिल्म में देखने के लिए मिलने वाली है। और ट्रेलर के एक सीन में दिखाया गया है कि विक्की कौशल को मारने के लिए सभी धर्म और जाति के लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। मगर ऐसा क्यों? तो ट्रेलर को और ज्यादा डीपली देखने से पता चलता है कि विक्की कौशल ने फोन से कोई एक वीडियो वायरल की है, और उसी की अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ी तादाद में भीड़ खड़ी है, जो अपने हाथों में झंडे लिए, पैम्पलेट लिए खड़ी है, जिसमें लिखा है कि आज सच्चाई का होगा खुलासा। तो मतलब विक्की कौशल ने कुछ तो खिचड़ी पकाई है, जिसकी वजह से ये सारे दंगे शुरू हो गए हैं। फिल्म का ट्रेलर देखने से तो फिल्म काफी इंटरेस्टिंग पता चलती है। इसमें इमोशनल ड्रामा, कॉमेडी, लड़ाई, हर जॉनर एकदम फूट फूट कर डाला हुआ है। फिल्म रिलीज हो रही है थिएटर में 22 सितंबर को। अब फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि फिल्म के अंदर कितनी दम है। फिलहाल तो आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।